Uto gani. Good morning. सुबह हो गई है और अब आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ जस्ट फॉर सम फन. थोड़ा सा काफ़ी दिन हो जाते हैं आप कहीं नहीं जाते हो तो मन करता है कि चलिए कहीं घूम के आते हैं. तो बस निकल लेंगे आज. और हमारे ये बेटे जो हैं ये सो रहे हैं, इनको उठाया जा रहा है कि भाई चलना है तो उठ जाइए. नानी उठो बेटा उठो. सो ये हम लोग फुली रेडी होके नहा धो के लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं. कार पार्किंग में कार निकालेंगे और बस आज जय गणेश करेंगे. किसी भी यात्रा का आरंभ करते हैं तो हम गणेश जी को जरूर याद कर लेते हैं. तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीलॉग. उठो बनी. गुड मॉर्निंग. ये हम लोग निकल चुके हैं और बस सामान अभी हम अपनी कार पार्किंग में पहुंचने के बाद सामान गाड़ी में रख देंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से. जब भी हम कहीं जाते हैं कार में तो मैं और मेरा बेटा बिल्कुल मस्ती करते हुए जाते हैं. और ये आप देखिए हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं और वो गाने गुनगुना रहा है. जा रहे हो चंडीगढ़? क्या करोगे वहाँ पे? वहाँ पे मस्ती करूँगा. कैसे मस्ती होती है वहाँ पे? बहुत स्मोक है. स्मोक है यहाँ पे भी है दिल्ली में. पोल्यूशन. ओह माय गॉड. दिवाली की वजह से. तो आपने फटाके जलाए थे? हाँ. तो आपने ही तो पोल्यूशन किया है. बाकी सब ने तो जलाए हैं. अच्छा क्या करना चाहिए? तो हम निकल चुके हैं. मुझे लगता है कि हमें जाम मिलेगा क्योंकि हम 8 बजे की जगह 8:30 बजे निकल पाए हैं. थोड़ा सा डिले हो गया है तो देखते हैं कितना जाम मिलता है. मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो जाम आज मिलेगा बिकॉज वीकडे भी है. दिवाली के बाद पूरा दिल्ली स्मोक से, एयर पोल्यूशन से भरा हुआ है. इवन हम रास्ते में जा रहे हैं ये चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा पड़ रहा है. यहाँ पे भी पूरा आप देख सकते हैं ये वाइट स्मोक दिख रहा है. और अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे मन्नत ढाबा जो कि हमारा फेवरेट ढाबा है. यहाँ पे इस रूम में काफी सारे ढाबे हैं, मन्नत ढाबा, गुलशन ढाबा, नाम नहीं याद रहते इतने ढाबे हैं. और सब जगह सबसे बेस्ट होता है आलू प्याज का पराठा और बढ़िया चाय. तो आइए करते हैं ब्रेकफास्ट. आलू पराठे में अगर बटर नहीं लगाया तो फिर क्या लगाया? तो आप ये बटर लगाइए और बिल्कुल ताजा मक्खन ये आपको देते हैं चाय के साथ. और आप आलू पराठे पे बटर लगाइए और बिल्कुल खा जाइए. मजा ही कुछ और होता है पंजाब का सूंधा सूंधा सा बटर और ये पराठा. जब भी हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो जब हम अपनों के साथ बैठ के चाय नाश्ता करते हैं या लंच करते हैं और गपशप मारते हैं तो ये वक्त सबसे अच्छा होता है. आपका अपना वक्त होता है, इस समय का यूटिलाइज जरूर करें. सो आई हैड अमेजिंग पराठा और हमने खाया चाय पराठा और बहुत अच्छा था. कैसा था बनी? अच्छा था. हाँ. क्या पसंद आया? मुझे तो सबसे अच्छा चाय लगा. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू चंडीगढ़ और ये है हमारा होटल. यहाँ पे पहली बार हम रुक रहे हैं और देखते हैं कैसा माहौल है, कैसा होटल है, कैसा रूम है. बिकॉज जिस होटल में हम रुकने वाले थे उसमें रूम अवेलेबिलिटी नहीं थी. तो लेट्स सी गाइस.
बच्चों को बहुत मज़ा आता है नए होटल्स में एक्सप्लोर करने का, तो ये मेरा बेटा बनी ये सबसे पहले जाके एंटर करके एक्सप्लोर करता है और बताता है, ये रिव्यू दे देता है कि अच्छा है या नहीं है। तो अभी इसका रिव्यू आएगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको ये कैसा लगा। हेलो, सो पहुंच गए हम लोग चंडीगढ़, और ये मेरा एक आज का वीलॉग मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे इन्जॉय करते हैं। तो दिवाली आपने देखी कि कितना प्रिपरेशन होता है दिवाली में, और उसके बाद था मेरे बेटे का बर्थडे, तो सारी चीज़ें चलती रहीं और थकान काफ़ी हो गई। तो मेरे हस्बैंड को कुछ काम से चंडीगढ़ आना था, तो आई जस्ट थॉट कि मैं भी उनके साथ एकम्पनी करती हूँ, और वो चले गए अपने ऑफिस और मैं और मेरा बेटा ये यहाँ वेट कर रहा है। और हम करेंगे लंच, हमने किया है ऑर्डर, और जब तक लंच नहीं आता तब तक हम करते हैं आपसे बातें। तो यहाँ पे हम आए हैं 2 दिन के लिए, तो आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, और हम यहाँ से सैटरडे मॉर्निंग निकलेंगे वापसी। तो मैं चाहती हूँ आपके साथ मैं अपने 2 दिन शेयर करूँ, तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए ज़रा हम क्या करते हैं, कैसे इन्जॉय करते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर माई डिटेल वर्जन विथ यू कि कैसे मैं मज़े कर रही हूँ, और आराम करूँगी तो आराम दिखाऊँगी आपको, और बने रहिए मेरे साथ। बाकी रूम इज़ ओके, हमेशा हम हॉलीडे इन में रुकते थे, वहाँ किसी की मैरिज थी तो हमें हॉलीडे इन मिला नहीं। तो ये है एक फन रेसिडेंसी होटल, बट रूम इज़ ओके, रेट्स आर इक्वली सेम जैसे हॉलीडे इन का होता है, और ठीक है, आराम करेंगे, घूमेंगे, मौसम भी अच्छा है यहाँ। बाकी सारी चीज़ें मैंने घूमी हुई हैं, मतलब बेसिक जितनी भी जगह है सब घुमा हुआ है हर एक एक बार, बट शायद कुछ नया करें, शायद कुछ, पता नहीं, अभी कुछ दिमाग में नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करके खा पी के कहीं जाएंगे, है ना बनी? कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नो आइडिया, बिकॉज हमने कुछ डिस्कस नहीं किया कि हमें क्या करना है। आई वॉज थिंकिंग कि मूवी देखते हैं, बट कल आ रही है एक मूवी जो हमें देखनी है, वो कल आएगी फ्राइडे को, तो आज है, आज तो अभी थर्सडे है, आज कोई मूवी ऐसी आई नहीं है। हाउसफुल 4 है आई थिंक सो, बट मैं और मेरा बेटा देखे तो मज़ा नहीं आता, हस्बैंड साथ में होने चाहिए मूवी में, तो वो तो होंगे नहीं क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क पे है, उनके पास काम है अपना बहुत सारा, so he will be doing his work and we will have fun. Okay, see you. आ चुका है हमारा लंच, so ये है यम्मी यम्मी पास्ता, and ये है बनी के लिए, but क्या स्ट्रॉबेरी शेक, बहुत, हम जब भी चंडीगढ़ आते हैं मैक्सिमम टाइम हम यही खाते हैं ना बनी, बहुत मजा आता है। सो हम लोग हो गए रेडी और अब जा रहे हैं हम सेक्टर 22 के मार्केट, तो मैं दिखाऊंगी आपको सेक्टर 22 में क्या क्या मिलता है, कैसा है मार्केट, तो चलिए चलते हैं। मेरी ओला आ गई है यहाँ पे, ओला इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं आप ओला बुक कर लीजिए और आप जा सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। लॉबी लॉबी यू लाइक इट? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने you
चलो बन। भैया ये वाली कितने की है? 500 की। ये हमारी शॉपिंग पर अब हम ऑटो से जा रहे हैं फिर वापस। थके क्या बनी? नहीं जैंगरी वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं बच्चों का, तो मैंने इसको दूध दिलाया नहीं, तो ये जैंगरी बिल्कुल।